हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइटेक विजन ओटी बिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं HTC का ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर मीटर का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में है, ये मैंने Amazon से मंगाया है और ये बहुत ही जरूरी था मेरे लिए क्योंकि मैंने घर में AC लगाया है। तो टेम्परेचर घर का कब क्या रह रहा है, ह्यूमिडिटी क्या रह रहा है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो रहा था। तो एक्चुअली ह्यूमिडिटी जानना क्यों जरूरी है, आप लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते तो थोड़ा सा बेसिक हम इस पर बात कर लेते हैं। तो ये समझने के लिए आप वीडियो लास्ट तक देखते रहें क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी बातें हम इसमें करेंगे ह्यूमिडिटी से रिलेटेड। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं सबकी बहुत सारी वीडियो लेकर के आने वाला हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें, हम लोगों का हौसला बढ़ता है, एक भी सेकंड नहीं लगता है आपको लाइक करने में। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इस HTC के ह्यूमिडिटी मीटर एंड टेम्परेचर मीटर की। दोनों ही इसी के अंदर है, टाइम भी चलता है इसके अंदर पूरा का पूरा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो एक्चुअली थोड़ा सा हम ह्यूमिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको जानना क्यों जरूरी है। तो अगर हम ह्यूमिडिटी के बारे में बात करें तो एक्चुअली हवा में नमी जो होती है उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं, कि हवा में कितना पानी है। तो ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, नॉर्मली हम समझते हैं कि एक्चुअली क्या है इसका रीजन, क्यों इसको मेंटेन करना जरूरी है। तो सही मायने में अगर हम बात करें इसके पैमाने का, परसेंटेज का, तो जिस भी बंद कमरे में आप रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, उसके अंदर 50-60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर 72 बता रहा है। रीजन उसका यह है कि अभी घर में पोछा वगैरह लगा है तो नमी बढ़ गई है, इसीलिए 72 हो गया है। नहीं तो हमेशा हमारे घर में 50-60 ही रह रहा है क्योंकि AC लगा, AC मेंटेन भी करता है इसको। तो एक्चुअली इससे ऊपर होने से या नीचे होने से क्या नुकसान आएगा, इसको भी समझते हैं। तो अगर नीचे होता है तो एक्चुअली हवा में पानी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हवा में 50% से कम पानी हो गया तो वो आपके बॉडी से पानी को खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका ओट वगैरह फटना, स्किन सूखने सी लग जाती है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कम भी होने से रोका जाए। तो जब भी कम हो तो आप घर में पोछा वगैरह लगा करके या फिर टब में पानी वगैरह रख करके, आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा कि गर्मियों के सीजन में फिर सर्दियों के सीजन में घर में टब में पानी भर करके रखना चाहिए। वो सिर्फ इसीलिए कि जो हवा में नमी है वो बिल्कुल खत्म ना हो, नहीं तो आपके शरीर से हवा जो है पानी को खींचने लगती है, एब्जर्व करने लगती है, जो आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो ये तो रहा प्रॉब्लम कम होने की। अगर बढ़ता है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर 60% से ऊपर जाता है तो बैक्टीरिया का अटैक होने का ज्यादा चांसेस रहता है। बैक्टीरिया जो है जमीन से उठ करके हवा में आने लग जाता है, जो आपके बॉडी को कभी भी अटैक कर सकता है। आपके स्किन में एलर्जीज वगैरह होने के चांसेस, वायरल फीवर वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सर्दी जुकाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि वायरल अटैक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप ह्यूमिडिटी को मेंटेन करें। बहुत ही महंगा नहीं है, हम लास्ट में इसके प्राइस के भी बारे में बात करेंगे कि मैंने इसको कितने में खरीदा। और बाकी ये जो आया है अनबॉक्सिंग अगर हम कर लेते हैं इसकी, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डब्बे में Amazon के पैकिंग में आया है, बाकी बबल सीट में पूरा अच्छे से रैप करके आया है ताकि ये किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं, ये जो मॉडल है वो HTC 1 है, HTC 2 भी आता है, जिसके अंदर दो टेम्परेचर आप जो है ले सकते हैं। एक टेम्परेचर इसके बॉडी से रहता है और दूसरा जो टेम्परेचर होता है इसके अंदर वायर आता है, वो आप ले जा करके कहीं और भी रख सकते हैं। यानी कि अगर अपने कमरे के अंदर बाहर दोनों ही टेम्परेचर देखना चाहते हैं तो वायर आप बाहर कर दीजिए और अंदर इसको लगा दीजिए, तो ये जो है अंदर का बताएगा और एक बाहर का, यानी कि आउटर और इनर दोनों ही टेम्परेचर अगर आपको देखना है तो आप HTC 2 ले सकते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट उतना होती नहीं है, इसलिए मैंने HTC 1 लिया। इसके अंदर टाइमिंग वगैरह भी आता है और बहुत ही प्यारा लुक है, बड़ा बड़ा इसका जो है डिस्प्ले आता है, साइज भी बहुत ही अच्छा इसका देखने को मिला। बाकी जो है इसके अंदर आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे 3 बटन्स आपको मिल जाती हैं, इधर 3 बटन मिलता है और बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है आपको ये इसका स्टैंड मिल जाता है खड़ा करने के लिए, इस तरीके से आप टेबल पर भी रख सकते हैं। बाकी हैंग करने के लिए आपको होल भी मिल जाता है, कोई भी किल पर आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर बैटरी लगी हुई है जो कि आपने देखा इसके साथ में आया हुआ था। बाकी इसके नीचे एक और बटन मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर डिग्री सेल्सियस में और F में अगर आपको देखना है तो आप इसको जो है
इस तरीके से क्लिक करेंगे तो एफ में टेम्परेचर आएगा, जो कि फीवर वगैरह चेक करने के लिए आप लोग अक्सर देखा होगा, जो कि यूज होता है। बाकी जो है आप हम डिग्री सेल्सियस पर ही रखते हैं, क्योंकि रूम का जो टेम्परेचर होता है वो हम डिग्री सेल्सियस में ही हमेशा चेक करते हैं। बाकी जो है आप देख पा रहे हैं ये इसका रहा, ह्यूमिडिटी 72% है। और बाकी यहां पर नीचे आप देख सकते हैं ये जो बटन है मेमोरी का बटन है। मेमोरी का मतलब इसका रिकॉर्ड दिखाएगा कि 24 हर्ज में मिनिमम कितना रहा और मैक्सिमम कितना रहा। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे एक बार तो ये मैक्सिमम दिखा रहा है, टेम्परेचर 32.7 रहा है और 73 इसका जो है ह्यूमिडिटी रही है। एक बार और दबाएंगे तो मिनिमम आएगा, मिनिमम 49% आप देख सकते हैं ह्यूमिडिटी रही है और 29.8 जो है इसके अंदर टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा एक टाइम है, इसको एडजस्ट करने के लिए आप मोड को दबा करके रखेंगे थोड़ी देर तक, तो उसके बाद जो है ये ब्लिंक करने लगेगा। उसके बाद जो है एडजस्ट बटन को प्रेस करते हुए आप आगे तक लेकर के जा सकते हैं। चूंकि मैं इसको मिला चुका हूं तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। इसको फिर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये जो है हर्ज पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्लिक करेंगे तो ये 12 घंटे पर चाहिए या फिर 24 घंटे वाला टाइमिंग चाहिए वो इसमें दिखेगा। उसके बाद जो है ये 2020 है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है मंथ पर चल रहा है, ब्लिंक कर रहा है, इसको एडजस्ट क्लिक करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेगा, पीछे नहीं ले सकते, आगे की तरफ लेकर के जाना होगा आपको। उसके बाद क्लिक करेंगे तो डेट पर आएगा, 26 डेट है इसके बाद। फिर दोबारा जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है ये टाइम चल पड़ेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज है मेरे हिसाब से, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल ये जो है प्रोडक्ट है, सभी के पास होना चाहिए ताकि वो अपने सेहत का और अपने टेम्परेचर का ख्याल रख सकें। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो कोई बहुत महंगा भी नहीं है, मात्र 300 रुपए का हमने इसको लिया है। 300 रुपए का अगर आप ले लेते हैं तो हमेशा आप ये देख पाएंगे कि आपके घर की कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, आप अपने सेहत को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों ये था HTC का ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर मीटर। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक बने रहे चैनल के साथ। पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।